नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नवयुवक अधिवक्ता समिति चुनार के अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन के खिलाफ किया नारेबाजी और न्यायिक कार्य से रहे विरत। आज मिर्जापुर के चुनार तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार व कर्मचारियों के कार्यों में घोर अनियमितताओं के विरोध में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में नारेबाजी की और तहसील प्रशासन के खिलाफ मुरादाबाद के नारे लगाते हुए चक्रमण किया। इस दौरान नवयुवक अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष मुन्नू प्रसाद गुप्ता, महामंत्री राजकुमार सिंघा ने अगुवाई में तहसील के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरुदास गजेंद्र नारायण, शीतला प्रसाद सिंह, शिव शंकर सिंह, मोहम्मद हदीज, जंग बहादुर सिंह, रामजी मिश्रा, रमेश कुमार विंद आदि दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं के द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में संपूर्ण दिवस न्यायिक कार्यों से वितरित रहने से दूर दराज से आने वाले मुक्केलों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं नवयुवक अधिवक्ता समिति के महामंत्री राजकुमार सिंघा ने कहा कि तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया है और कहा तहसील में कोई भी काम बिना पैसे लिए नहीं होता। छोटे से लेकर बड़े कामों में भी पैसा तहसील के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाता है। पैसा ना मिलने पर फाइल को पेंडिंग डाल दिया जाता है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की जा चुकी है, परंतु आज तक तहसील प्रशासन में कोई सुधार नहीं आया और ये हड़ताल तब तक चलेगा जब तक कि तहसील के अधिकारी एवं कर्मचारियों में सुधार नहीं हो जाता है। और आज आप लोग का संगठन जो है कि चक्रमण किया है, क्या समस्या है? हमारे तहसील सरकार की मंशा है कि यह देश प्रदेश भ्रष्टा मुक्त हो, लेकिन यहाँ की स्थिति तहसील चुनाव की स्थिति है कि कोई भी कार्य बिना पैसा का नहीं होता है। यहाँ स्थिति यह है कि धारा 24 में पैमाइश के लिए किसानों से 10,000 से 1,00,000 रुपया तक लिया जाता है। नामांतरण के कार्रवाई में जो समय 35 दिन की सीमा है उसमें 4-4 महीने लग जा रहा है। बिना वो अधिवक्ता के पैरवी किए नामांतरण की कार्रवाई नहीं हो पा रही है और मालिकान भी नहीं हो पा रहा है। और धारा 80 में मुंह मांगे SDM द्वारा पैसा लिया जा रहा है। अगर पैसा नहीं देगा जो व्यक्ति, उसी तरह जो उसका फाइल पार रहेगा। हर कार्य में बिना पैसा दिए हुए नहीं होता है। हर अधिवक्ता यहाँ पर आज ही आ चुका है, परेशान हो चुका है और इससे भ्रष्टाचार से ग्रसित है। इसके लिए हम लोग कई बार संपर्क किए, SDM से शिकायत किया गया, तहसीलदार से कहा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, न तो इन लोगों के कार्यशैली में कोई सुधार हुआ। विभाग के संबंधित उच्च अधिकारी को आपने जो इस संबंध में कुछ अवगत कराए? नहीं, यहाँ पर जो है SDM तहसीलदार से कहते हुए ऊपर के अधिकारियों से भी इसकी जो है शिकायत की गई और पेपर के माध्यम से भी जानकारी दी गई ऊपर के अधिकारियों को। और यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि खतौनी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। अगर बिजली नहीं है तब तक किसानों को, अधिवक्ताओं को खड़ा रहना पड़ता है, लाइन लगाकर बैठना पड़ता है। खतौनी में कर्मचारियों की संख्या कम है और यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं होने की वजह से, जनरेटर की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हम अधिवक्ताओं और किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पर भी तहसीलदार से व्यक्तिगत बात की गई, लिखित रूप से दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आपके आप लोगों की क्या रणनीति है? इसके बाद जो है ठीक, आज चक्रमण किया गया। ठीक, बार के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय ली जाएगी, जो उचित राय देंगे अगले हम लोग रणनीति के तहत कार्य करेंगे। क्या कार्य भी आप लोगों का कब तक प्रभावित रहेगा? कार्य मीटिंग के बाद उचित राय जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक, समस्या के समाधान होने तक और प्रशासन को बताने तक, शासन को अपनी इस बात को पहुंचाने तक, जब ऐसा शासन प्रारूख अख्तियार करेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, तब तक चलता रहेगा। शासन को संज्ञान में लेना पड़ेगा और बाधकारियों के हित में, जनता के हित